नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज हम करने जा रहे हैं Z5 पर रिलीज हुई सीरीज पब गोवा का रिव्यू। इस सीरीज को 8 एपिसोड्स में रिलीज किया गया है और हर एपिसोड लगभग 30 मिनट्स के हैं। ये सीरीज क्राइम साइंस फिक्शन बेस्ड सीरीज है और इस सीरीज को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, लेकिन आप इसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। सीरीज के डायरेक्टर हैं लक्ष्मी नारायण राजू और इस सीरीज की मुख्य भूमिका में है इस सीरीज की जान और शान विमला रमन, जो कि है अधीरा के रोल में, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का किरदार निभा रही है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि आईटी फर्म में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा का प्लान बनाते हैं और ये न्यू ईयर पार्टी कम यंगस्टर की ड्रग्स पार्टी ज्यादा हो जाती है। ये पार्टी अचानक दुर्घटना में तब्दील हो जाती है जब वहाँ एक डेडली शूटआउट हो जाता है और इस दुर्घटना में सारे यंगस्टर मारे जाते हैं और जो दो लोग सरवाइव करते हैं उनमें से एक कोमा में स्लिप हो जाता है और दूसरे को मेमोरी डिसऑर्डर हो जाता है। अब आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा कि उस डेडली शूटआउट के पीछे क्या राज रहता है, या ये कोई एक टेररिस्ट अटैक रहता है या कुछ और। अब आइए आपको बता दें कि इस सीरीज को आप क्यों देखें और क्यों ना देखें। इस सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें विमला रमन की एक्टिंग काफी अच्छी लगी और इस सीरीज का डायरेक्शन काफी अच्छे से किया गया है और सारे इमोशन भी अच्छे से दर्शाए गए हैं। इस सीरीज की एक और खास बात जो हमें पसंद आई कि इस सीरीज में तमिल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का भी यूज किया गया है, जिससे आप आसानी से सीरीज से कनेक्ट हो पाएंगे। इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज में एडल्ट कंटेंट होने के कारण बच्चे आप लोग इस सीरीज से बिल्कुल दूर ही रहिए और इस सीरीज में वर्चुअल वर्ल्ड दिखाने के लिए थोड़े वीडियो गेम टाइप सीन्स लिए गए हैं, हो सकता है वो आपको थोड़े ड्रामेटिक लगे। इस सीरीज का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों ने ये सीरीज देखी और हम लोगों को तो ये सीरीज पसंद आई और हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए और हम लोग इसको 3.5 रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5 में। और अगर आप लोगों को इस सीरीज का रिव्यू वाकई पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना।